तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मरी की तरह लेकिन आप बिल्डिंग की जगह की सैर कराने लगे हैं। तो चलें जी, आज हम जा रहे हैं अय्यूब पार्क। आज आपको मैं सैर कराऊंगी अय्यूब पार्क की। ये हम अय्यूब पार्क में इंटर हो चुके थे और ये आपके ट्रेन लगी हुई थी, तो हम लोग भी एक ट्रेन के डिब्बे में बैठ कर और हम लोगों ने भी चुक चुक करते हुए आगे जाना था। आगे जैसे ट्रेन चली तो हम लोगों को जी इंट्रेंस से ये गेट नंबर 1 था। गेट नंबर 1 से आगे जहाँ तक इसने जाना था म्यूज़ियम के पास, वहाँ तक जो है ना हम लोग को ये सारा बीच में से काफ़ी लंबा रास्ता था, जो कि हम लोगों ने ट्रेन पर टिकट दे के आराम से सुकून से गुजार लिया था। अदरवाइज़ बंदा चलता चलता ही थक जाता। ये देखिए जैसे छोटे छोटे उन्होंने ढाबे लगाए हुए हैं, कैफ़े हैं, यहाँ पे खाने पीने की हर तरह की चीज़ मिलती है, पानी का। ये देखिए ट्रेन आपने छोटे छोटे से लेक बने हुए हैं जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, आप पैडल वाली बोटिंग भी है, ये इलेक्ट्रिक मोटर बोटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी तो ये बहुत ही थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बड़ा इन्होंने बना दिया था और बहुत ही अच्छा भी कर दिया था, क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं था। अब आप देख लें लोगों का हजूम भी कितना है। ये हम लोग जो इंटर हो चुके थे म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम का ये देखिए अहाता आप लोग देख रहे हैं, बाहर का सहन वगैरह गार्डन सा बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अच्छा मेंटेन इन्होंने बनाया था। बेंचेस लगाए थे, एक बंदा पाकिस्तान का फ्लैग लेके आर्मी पर्सन खड़ा हुआ था। इन्होंने बाहर हेलीकॉप्टर तोपें वगैरह लगाई हुई थी। अच्छा, ये बाहर का जो एरिया था इनका, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम था और भी बड़ा ये लोग कर रहे थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इस वजह से मैं भी आप लोगों को फास्ट मोशन पर करके दिखाऊंगी। इस सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट साइड पे आता है जी मैप, यहाँ पे क्या क्या दिए दिखा रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम, गाजी दौरे हुकूमत, गजनवी दौरे हुकूमत और दिल्ली का दौरे हुकूमत, सारे दौरे हुकूमत दिखाए इन्होंने। ये एक बंदा देखे जी तीर कमान लेके खड़ा हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त मतलब इन्होंने स्टैचूज इन्होंने तो बहुत ही अच्छे थे। अब सबसे पहले जो दौर शुरू होता है वो होता है स्टोन एज से। स्टोन एज से हमारा सारा का सारा निज़ाम शुरू होता है। इन्होंने स्टोन एज से दिखाया हुआ था कि लोग पत्थर काट के कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ से शुरू होते होते सब उसके बाद आ गए जी वादी सिंध। अब आते हैं यहाँ पे वादी सिंध की ये सारी काश थी, हमारे पास चीज़ें थी जिसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा और ये वादी सिंध की मोहरें थी, ये मोहर इन्होंने बनाई थी यानी कि स्टैम्प्स। जितने भी लोग वादी सिंध के थे वो इस तरह के स्टैम्प्स बना के उस वक्त के लिए तौर पे यूज़ करते थे, जिस पर घोड़े या गाय की सिंहों वाली चीज़ें कोई ना कोई बना देते थे शक्ल की, और बाकी ये उसकी सारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा और सिंध के इससे जितने भी निकली हुई थी तमाम चीज़ें ये सारी उसकी सकाफत को दिखा रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए हैं जी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की सबसे पहले इन्होंने दिखाई कि उसके दौरे हुकूमत में उन्होंने सबसे पहले ये मशीन यूज़ की थी जो पत्थर फेंकने वाली थी, लकड़ी से बनती थी और बहुत बड़ी मशीन होती थी। फिर ये मोहम्मद बिन कासिम का स्टैचू था, उनकी तलवारें हैं, उनकी जंग के दौरान पहने वाले कपड़े और उनकी टोपियाँ जो उनके वो जो लोहे की बनी होती थी वो थी। उनमें से काफ़ी मुश्किल दौर हुकूमत है, देखिए ना कितनी मुश्किल तरीके से लोग जंग लड़ते थे और सारा कुछ। अब ये आके जी गजनवी दौर हुकूमत और इनकी ये डफ देख के तो मुझे याद आ गया था नोयान बिल्कुल, और नोयान का पर्सनल डीजे। जो लोग अतगुल देखते होंगे और देखा होगा जिन्होंने, तो उनको तो ये सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिक सा लग रहा होगा। वैसे ही टोपियाँ, वैसे ही सारा कुछ, वैसे ही उनकी कॉस्ट्यूम्स है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो इसके बाद आ गए थे दिल्ली का दौरे हुकूमत। दिल्ली के दौरे हुकूमत में भी आपको पता है कि मुसलमान हिंदू ये तमाम लोग शामिल थे, हर तरह का बंदा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह अलग थी और टाइम अलग था, यानी कि दिल्ली आ गया था। अब वैसे ही उन लोगों ने भी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी जो कि दूसरे मुल्कों के कबाइल, यानी कि मुल्क तो नहीं होते थे लेकिन दूर दराज के इलाकों में जो कबीले कबीलों के उस वक्त उन्होंने देखा था तो वैसे ही आ गया था। और ये दौर हुकूमत भी बहुत ही अच्छा चला था। ये मुगलिया दौर से पहले का दौर हुकूमत आया था, इसके बाद मुगलिया दौर का दौर हुकूमत था, लेकिन इसमें उन लोगों ने जो है ना बिल्कुल वैसा ही किया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया था उनके कपड़ों में और सारा कुछ, क्योंकि अब वो सलाखों वाले कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना ये आप बताएं किसकी हैं, ये हैं जी हमारी मुगलिया दौर की, ये सबसे एंटीक सबसे खूबसूरत जो चीज़ें हैं ना। अब आप इनकी टोपियों के खाली काश देख लें वो किस कैसी हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं इनकी। और यहाँ पे आ गई है ये पालकी, ये तो स्पेशल पालकी थी जो कि उनके बादशाहों के मुग़ल दौर के बादशाहों के पास होती थी उनकी पालकी, और ये उस टाइम की पालकी उन्होंने बिल्कुल वैसे बनाई थी, यानी कि आप इमेजिन करें कि उसमें बैठ के हमारे बादशाह मलका आ रहे होते थे। और ये उनके बर्तन भी कितने अच्छे थे, यानी कि उस टाइम के जो बर्तन थे ना वो भी सबसे एक्सपेंसिव वाले बर्तन थे। और फिर उस टाइम बंदूकें आ गई थी और डिफरेंट भी हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन सबके पास बंदूक नहीं होती थी उस टाइम पर। लेकिन खैर ये सारा कुछ ऐसे था कुछ था, नेज़े शेज़े भी दिखा देते। अब ये आ गया था हमारे पास जो कि कबाइल थे, कबीले कबीले के साथ एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे थे,
पत्थरों में रह के, जैसे कि बलूचिस्तान में कबाइल होते हैं, इस तरह का उन्होंने ये दिखाया हुआ था डिफरेंट सा बीच में। अब ये मुझे याद नहीं था कि ये किस चीज़ का उन्होंने दिखाया था। और उसके बाद आ जाता है जी मुग़ल दौर के बाद हमारा अपना जो दौर हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी। ये आपको कपड़े देख के पता लगे होगा कि ये कपड़े हैं जी अंग्रेज़ों के, अंग्रेज़ों की टोपियाँ, अंग्रेज़ों की बंदूकें, और ये तमाम बारूद शारूद हर चीज़ जो थी ना वो अंग्रेज़ों की थी। उन्होंने वही सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ था, बिल्कुल बहुत ही मुझे तो बहुत मज़ा आया था देख के। यानी कि बंदा चलो नेज़े शेज़े ये चीज़ें कॉपी कर सकता है, लेकिन जो इन्होंने ड्रेस उनके कॉपी किए थे, जो उनके कोट्स, उनके कोट्स के बटन, इसकी सेम स्टाइल। अच्छा, अब ये मैं दूसरी साइड पे आ गई थी। यहाँ पर जो था इन्होंने फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए इन्होंने बनाया था। ये टेंट देखें, यहाँ पे आगे स्टैचूज बने हुए जिसमें बंदे शहीद हो रहे हैं। अब आगे हैं जहाँ पे वो लोग जी अपने कोर्ट में बैठे हुए हैं टेबल टेनिस के, और यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं, इस तरह के और बहुत से इन्होंने बनाई थी। अब यहाँ पर एग्ज़िट था, एग्ज़िट के बाद यहाँ से हम मैं सामने जाऊँगी। बड़ा देखें कितना खूबसूरत एंटीक्स उन्होंने शीशे का महल बनाया हुआ। अच्छा, अब जहाँ पे मैं घुस रही हूँ वो सबसे मज़े की जगह है, वो है हमारा पाकिस्तान, वो हमारा पाकिस्तान और हमारी पहचान है। इस पे जो इसको तो मैं कहती हूँ एक अलग व्लॉग होना चाहिए इस पे, कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत उन्होंने दिखाई। ये मास्टरपीस चेक करें आप, 1947 से 2021 तक की ये वॉल है। यानी कि पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से दौरे हुकूमत आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये देखें जी, एक पैसे से ले गए आज के 10 रुपये के जो सिक्के हैं उनका तमाम का रिकॉर्ड आ गया है। ये हमारी अपनी सकाफत देखिए, पंखियाँ चेक करें कितनी खूबसूरत है। अब यहाँ पे कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सब तमाम सूबों के जो है ना कपड़े उन्होंने दिखाए, सकाफत दिखाई है, और ये भी अच्छा लगा था। ये तो चलो फिर हम लोग को थोड़ा पता ही होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने डिलीवर की हुई थी। अच्छा, अब आगे आप ये देखें, ये हमारे पास आ गया है जी पाकिस्तान की अजीम शख्सियात की है। जिसने जब से पाकिस्तान बना उसमें जो अजीम शख्सियात जिंदा हैं और जो वफात पा गई हैं, वो तमाम उन तमाम की उन्होंने वॉल बना दी है। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको इतना जूम करके दिखाती, हर चीज़ को मुझे जूम करके दिखाना चाहिए था, खासकर रुपए वाला भी, लेकिन मैं क्या करती कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं जूम भी नहीं कर सकी और ख़ुद भी इतना एंजॉय नहीं कर सकती। यहाँ पे देखें इन्होंने कश्मीर को, गिलगित को, सिंध को, हर किसी सूबे के अलग अलग उन्होंने खसूसियात दिखाई हुई थी। अब यहाँ से बाहर का रास्ता फिर से निकल रहा था, और ये देखें जी सामने अब आपको एक मास्टरपीस नज़र आएगा हेलीकॉप्टर का, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा इन्होंने दिखा दिया था। तारिक म्यूजियम कैसा था? अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। ओके, गुड। और आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं जू। जंगल वर्ल्ड के अंदर इंटर होते ही इन्होंने छोटे छोटे शेर और जंगल का थोड़ा सा इन्होंने दिखाया हुआ था जिसमें, और बड़ा प्यारा सा बियर भी रखा हुआ था। अब ये जो था ना, ये मेरे बचपन के टाइम से शुरू से इस यू पार्क में था, जिसके अंदर हम लोग चलते थे और शेर की आवाज़ थी, और अभी भी आती है, स्टिल इसमें आता है, ऐसे ही आता है। अच्छा जी, तोते मुझे बहुत पसंद है, और ये वाले तोते तो वैसे ही मुझे मेरे फेवरेट है, और ये रेड वाला तो बहुत ही खूबसूरत था, और ये बड़ा वाला चेक कीजिए आप, बहुत प्यारा। अच्छा, जंगल वर्ल्ड के अंदर इतना सब कुछ है नहीं, ज़्यादातर जो है ना झूले झूले ही हैं। अब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कौन से झूले अच्छे हैं और कौन से हमारे लेने वाले हैं। पार्क में हमने भूत बंगला के सामने एक छोटा सा जगह बनी हुई थी छोटी सी, और हम लोग उसमें बैठ गए थे। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई थी, और ये देखें जी हमारा भी खाना खुल चुका था, और ये हमने रोल पराठा और बर्गर स्लरी खाए थे, और ये भी अच्छी एक जगह मज़े की थी, यहाँ पे बैठने की भी लोगों की जगह थी, झूले भी पास पास थे सब। अब हम जा रहे हैं जी मिस्ट्री हाउस में, टिकट ले लिया है मिस्ट्री हाउस का, और यहाँ पे रास्ता बंद है। ओह माय गॉड, एक ही मैंने भूत पकड़ लिया है। कहाँ है ये मेंढक डड्डू? चलो 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 आगे चलो। इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है, और ओ चलो 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 शाबाश।
तुम्हारी मामा दादा डरने करती बच्चे छोटे बच्चों को फनलैंड। अब यहाँ पे हम लोग झूले लेने के लिए आगे जा रहे थे, मज़े मज़े की राइड्स यहाँ आगे, बच्चों के लिए थोड़ा सा पीछे एरिया इन्होंने बनाया हुआ था छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए आगे था। अब ये देखिए जी डिस्कवरी, ये रुकने वाला था इसलिए आधा आधा चक्कर ले रहा है, अदरवाइज ये पूरा ऊपर तक ये गोल घूम के आता है और बहुत ही डेंजरस और मज़े का भी है। डर नहीं लग रहा है लेकिन ये है कि मजा आएगा ये जरूर, आप लोग देखिएगा। I can't forget the day we met, your eyes so blue, mere present through, I can't forget the day। अब हम जा रहे हैं जी वापस, ये वापसी के लिए सब निकल चुके हैं और वापस जाके और अजलान सो चुका है, ये देखो ये अजलान साहब सो रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए लाइव बारबेक्यू भी चल रहा है, कोई आना चाहे और यहाँ पे बैठ के खाना चाहे तो उनके लिए फ्री, उनके लिए ये सिस्टम भी मौजूद है, आइसक्रीम भी है, सफारी कैफे है ये, और अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है पार्क का, पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब मैं बचपन में अपने आई थी तब ऐसा नहीं था। ये इन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी अयूब पार्क के अंदर जिसमें लेडीज़ की अलग जगह थी और जेंट्स की अलग जगह थी, ये सामने लेडीज़ का पोर्शन था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हम ये जेंट्स जाएंगे अंदर, यहाँ पर वो नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बात है और अच्छी बात है कि आप लोग फ़न करने के साथ साथ नमाज भी अदा कर सकते हैं, यानी कि अपने दीनी फ़राइज़ भी अदा कर सकते थे। हंगर वर्ल्ड के बिल्कुल बाहर ये देखें इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अब उसके लिए खिलौनों के हैं स्टॉल्स, चीज़ों के डिफरेंट की चेन्स हैं, नाम वाली ये हैट्स हैं, सनग्लासेस, और ये देखें जी ये बच्चों के यानी कि छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों का रोज़गार लग गया है, मतलब ये मुझे तो इस चीज़ की खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो ये देखें कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो देखें वो सामने लगे हुए हैं, तो ये लोगों का रोज़गार लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर स्टफ टॉयज़ है, ये नज़र आ रहे हैं आपको स्टफ टॉयज़, अजलान की वजह से मैं जूम नहीं कर सक रही हूँ लेकिन ये सब बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पाका, अभी ये आधा आपको दिखाया गया है और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो फिर आप लोगों को लेके आएंगे। वो सामने म्यूज़ियम आ गए दोबारा से, ये शटल बसेस दोबारा से आ गई थी और अब रात के 10 बज चुके थे, सब लोग वापस जा रहे थे। ये मज़े की बात है कि बस सर्विस है, लोग वापस अपने गेट तक पहुँच सकते हैं और अपने अपने घरों को जा सकते हैं। So, अब हम घर आ चुके हैं और बहुत इंजॉय किया सब ने, लास्ट राइड जो थी वो मज़े की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत डर रही थी वहाँ पे, मतलब मज़ा आया था लेकिन उसको उतरने के बाद भी उसमें से चक्कर गए जा रहे थे वहाँ पे, तो मैं तारिक से पूछती हूँ कि तारिक को कैसा लगा, कैसा लगा तारिक आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, आई हैड सो मच फन। अच्छा और राइड कैसी लगी थी आपको? राइड मैं नहीं डर गया था। अच्छा वहाँ पर भी ऐसी राइड्स होती हैं? जी ऐसे ही होते हैं राइड्स, कोई ज़्यादा इंटेंस है। अच्छा यानी कि यहाँ वहाँ पर ज़्यादा इससे डिफिकल्ट किस्म की राइड होती है, इसलिए यहाँ पे इशू ही नहीं हुआ वाली राइड लेके, लेकिन मज़ा आया। हाँ जी मज़ा आया, कजन्स के साथ एंजॉय किया। यस आई रियली एंजॉयड द मील। ओके सही जी, खाना भी पसंद आ गया, तो हम लोगों की एक छोटी सी गेट टुगेदर हो गई, जल्दी से हम लोगों ने इसे प्लान किया था, जाएंगे तो सब जाएंगे और छोटा मोटा इंजॉय भी हो जाएगा, बच्चों के लिए फन एक मोमेंट था और कुछ भी नहीं, और मोहम्मद अजलान ने भी इंजॉय किया। और तहा आप बताओ? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, हमें इतने अच्छे झूले हमने वहाँ पे लिए, म्यूजियम भी गए थे, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे? झूले लिए थे। झूला अच्छे थे, बच्चों को तो झूले अच्छे लगे हैं। तो चले जी इंशाल्लाह फिर मिलेगी आपको एक साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और इससे मज़े मज़े की चीज़ें भी दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।